नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल बंदनास किचन में स्वागत है। आज बंदनास किचन में आटे का लड्डू बनने जा रहा है। आटे के लड्डू बनाने के लिए हमें किस किस चीज का जरूरत है ये हम देख लेते हैं। तो यह हमारा 1.5 किलो आटा है। तो 1.5 किलो आटे में 1.25 किलो जैसा पिसा हुआ चीनी है, और चीनी या मीठा आप इसमें गुड़ भी डाल सकते हैं। गुड़ का एक तार का चाशनी बना के गुड़ से भी लड्डू बनता है। अपने स्वाद अनुसार मीठा डालें तो चीनी की मात्रा आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। और ये 1 कटोरी काजू है, 1 कटोरी बादाम, 1 कटोरी खरबूजे के बीज मगज जिसे कहते हो है, 100 ग्राम गोंद है, और ये 1 किलो घी है। तो 1.25 किलो जैसा घी लड्डू में लग जाएगा। और ये 1.25 किलो शक्कर पिसा हुआ है। 1.25 किलो यानी कि 750 ग्राम। आप चाहे, अगर आप ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं लड्डू, तो आप इससे ज़्यादा भी शक्कर ले सकते हैं या गुड़ ले सकते हैं। गुड़ हमारे शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होता है, तो आप गुड़ में भी ये लड्डू बना सकते हैं। और ये 10-12 इलायची, सौंठ और पीपर पिसा हुआ है। अभी ठंडी का मौसम है, तो ठंडी के मौसम है इसके लिए पीपर, सौंठ और इलायची तीनों मिला के पीस के और मैं डालूंगी। अगर आप ऐसे ही बना रहे हैं, ये सौंठ और पीपर की मात्रा कम कर सकते हैं या नहीं भी डाल सकते हैं। गोंद थोड़ा सा डालें और इलायची डालें, मगर अभी ठंडी का मौसम है तो हमारे शरीर के लिए ये सब जरूरत है, इसके लिए हमें खाना चाहिए। तो चलिए अब बनाते हैं गोंद की लड्डू। तो अब हम कढ़ाई में घी डालेंगे और बारी बारी करके सारे ड्राई फ्रूट्स और गोंद को भून लेंगे। हम थोड़ा थोड़ा गोंद घी में डालेंगे और अच्छी तरह से गोंद को भून लेंगे। ये देखिए, इस तरह से गोंद फूल जाएगा। इस तरह का ऐसे अंगूठा से दबाने से इस तरह से मिल जाना चाहिए, तो हम समझ लेंगे कि हमारा गोंद अच्छे से सीख चुका है। गोंद को एकदम धीमे आंच में सेकेंगे। अगर अंदर से थोड़ा भी कच्चा रह जाएगा तो दांत में चिपकेगा, इसके लिए हम गोंद को धीमे आंच पे मीडियम फ्लेम पे अच्छे से सेक लेंगे। देखिए हमारा गोंद फूल गया है और हम गोंद को निकाल लेंगे। काजू, बादाम सभी को साथ में थोड़ा थोड़ा करके घी में फ्राई कर लेंगे और सब ड्राई फ्रूट्स को पीस लेंगे। आप दरदरा भी रख सकते हैं और एकदम महीन भी पीस लीजिए इसको। गोंद अगर आपको ऐसे खाना पसंद नहीं है तो गोंद को भी आप मिक्सर में डाल के एक बार घुमा दीजिए हल्का सा। देखिए काजू लाल हो गया है, तो अब हम सारा ड्राई फ्रूट्स निकाल लेंगे और फिर मिक्सर ग्राइंडर में दरदरा पीस लेंगे। अब हम मगज को, खरबूजे के बीज को भी घी में डाल के भूज लेंगे और सभी चीज को हम एक साथ थोड़ा ठंडा होने के बाद पीस लेंगे। देखिए ये खरबूजे का बीज हमारा एकदम फूल गया है, तो ये हमारा सीख गया है। तो आप इसको ऐसे भी रख सकते हैं और मिक्सर में हल्का इसको दरदरा पीस भी सकते हैं। अब इसमें हम आटा को डाल देंगे। सारा आटा एक बार में नहीं भूनेंगे, थोड़ा थोड़ा करके 2 से 3 बार में आटा को भूनेंगे। ये आटा थोड़ा मोटा पिसा हुआ था, मोटे आटे का लड्डू थोड़ा टेस्टी ज़्यादा लगता है खाने में। अब हम मीडियम फ्लेम पे आटे को अच्छे से भून लेंगे जब तक कि हमारा आटा का कलर बदल ना जाए। देखिए ये हमारा आटा भून गया है और इसके कलर भी बहुत सुंदर आ गया है और इसमें से महक भी बहुत सुंदर आ रहा है। तो अब हम इस आटे को निकाल लेंगे और जो हमारा बचा हुआ थोड़ा सा और आटा है उसको भी हम इसी तरह से भून लेंगे। देखिए हमारा आटा भुन गया है। अब हम इसमें शक्कर डाल देते हैं और आटा हल्का गर्म ही रहना चाहिए, एकदम ठंडा करके ना मिलाएं। पिसा हुआ शक्कर है ये। ड्राई फ्रूट्स और गोंद सबको मिक्सर में दरदरा पीस लिए हैं, तो सारा ड्राई फ्रूट्स डाल दूंगी इसमें। और ये सौंठ, इलायची और पीपर का पाउडर है, 1 बड़ा चम्मच हम डाल देंगे इसमें। अगर आप सर्दियों में बनाते हैं तो ये ज़रूर डालें, और सर्दियों में नहीं बनाते हैं
तब इसको स्किप करके सिर्फ इलायची डालें। अब हम सभी सामग्री को अच्छे से मिला लेंगे और घी का जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगा वैसे वैसे हम इसमें डालेंगे। देखिए अब थोड़ा थोड़ा इसमें घी डालेंगे। अभी हम इस घी को मिला लेंगे इसमें और जहाँ तक लड्डू बनेगा बनाएंगे और फिर वापस फिर घी को पिघला के फिर घी डालेंगे। देखिए इस तरह से घी डालते जाएंगे और हम लड्डू बनाते जाएंगे। घी इसमें ज़्यादा लगता है, जैसे हमारा 1.25 किलो जैसा सामान हो गया है तो 1 किलो जैसा घी तो आराम से लग जाएगा, 1 किलो से ऊपर भी लग सकता है। अगर आप बहुत ठंड जगह में रहते हैं तो घी तुरंत जम जाएगा, इसमें आपको ज़्यादा घी देने का जरूरत पड़ेगी। सर्दियों में गोंद के लड्डू जरूर से जरूर खाना चाहिए। गोंद के 2 लड्डू रोज खाएं नाश्ते में या रात को सोने से पहले और तंदुरुस्त रहें। देखिए हमारा लड्डू बनके तैयार हो गया है। इसी तरह से आप भी बनाइए, खाइए और अपना अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए।